वेलकम बैक गाइस। और ये रहे वो दो पोस्ट जो आज हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना PSCC में अपना फ़ोटो इंपोर्ट करो, जो भी है। मैं इंपोर्ट वाला प्रोसेस नहीं दिखाता, प्राइवेसी इशू। फिर उसको छोड़ के इसी का बस बैकग्राउंड हटा के मैंने वो फ़ोटो ले ली और उसको एक लेयर ऊपर रखा, नीचे एक एम्प्टी लेयर, फिर उस पर एक ग्रेडियंट ऐड किया। और ग्रेडियंट ऐसा ऐड करो जो बैकग्राउंड से मैच करे। आप देख सकते हो ग्रेडियंट ऐसा मैंने ऐड किया कि मतलब बैकग्राउंड में पूरा ब्लेंड हो गया। सेम वही ग्रेडियंट मैं इस लेयर के ऊपर भी लूँगा और एक और एम्प्टी लेयर में, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे उन दोनों के बीच में, उसमें एक सर्कल बनाएंगे ऐसा। मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसा कुछ बनाना था, इसलिए एक सर्कल लिया। उस सर्कल में फिल करो कोई भी कलर जो तुम्हारे बैकग्राउंड से, मतलब तुम्हारे कैरेक्टर से मैच करता हो। फिर उसके बाद उसे थोड़ा बहुत जिस भी तरह से तुम्हें मूव करना है उस तरह से मूव कर दो। मैंने रैप से मूव किया। फिर उसके बाद उसको और कई जगह से तोड़ तोड़ के, मतलब एकदम एक टेक्स्चर बना दूंगा पूरा। तो जितना भी हो सके उसको ऐसे मूव करो और कुछ ऐसा डिज़ाइन बना लो। फिर उसे अपने कैरेक्टर के हिसाब से जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना है उसके साइड एजेस टच नहीं होने चाहिए, ऐसा ध्यान रखना, और वो जस्ट कैरेक्टर के पीछे हो। फिर उसमें हम एक और बार जाएंगे, ग्लास वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे एफएक्स में। और ग्लास वाला इफेक्ट की सेटिंग्स कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब स्केल थोड़ा ज़्यादा और मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा, तो कुछ ऐसा बनेगा। उसी को दो तीन बार अप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा लुक आएगा तुम्हारे पूरे के पूरे, मतलब उस इमेज पे, मतलब उस शेप पे। अब उसे और हमें छोटा करना है, मतलब पूरा फैलाना नहीं है ना, बस थोड़ी जगह पे हमें वो लुक चाहिए। और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी आप एडजस्ट करना चाहते हो। तो बस जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वो प्लेस करो। मुझे बस ऐसा चाहिए था कि कैरेक्टर के पीछे रहे और ज़्यादा उसका लुक ना आए, लेकिन जितना भी आए उसमें वो मतलब अच्छा दिखे। फिर ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, मतलब मुझे जैसा लुक चाहिए वो लाने के लिए बार बार वो जिस कर रहा हूँ उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर एक और फ़ोटो इसमें इंपोर्ट करनी है, और फोटो मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक, तो फोटो क्या करना है, पूरा उस शेप के ऊपर ही आनी चाहिए। फिर शेप को सिलेक्ट करो, उस फोटो पे क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट कर दो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ़ोटो की ओपेसिटी कम कर दो, कम से कम इतनी कर दो कि पीछे का रेड कलर उसमें ब्लेंड हो जाए। फिर दोनों को सिलेक्ट करके, मतलब जब एक साथ मैच कर लो तो उसमें ये एक आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हो। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मत दो, तुम्हारी मर्जी उसके आगे। बाकी मैं ऐसे सेटिंग्स से देख लेता हूँ कि अगर अच्छा लगे लुक, तो अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तुम ये लुक अप्लाई कर सकते हो। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, मतलब ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। अगर अच्छा लग रहा है तो रखो, नहीं अच्छा लग रहा है मत रखो, इसे बैक कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा वो पार्ट तो कम्प्लीट होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें मतलब वो चीज़ और अच्छे से शो करनी है। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा पीछे का, ठीक, मतलब जो हमने शेप बनाया, हमने जो किया उसे भी मुझे पूरी तरीके से नहीं रखना। तो अब यहाँ पे चलते हैं दूसरी जगह, मतलब पिक्सल लैब में अपने, जहाँ पे टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट अपना जो भी लिखना है तुम्हें लिख लो, अपना यहाँ पे मतलब जो भी तुम्हें लिखना हो, कोई कैप्शन हो या फिर उस फोटो से रिलेटेड कोई वर्ड हो वो लिखना हो। मैंने रेड ड्रेस लिखा क्योंकि मॉडल के पास रेड ड्रेस है और फिर मॉडल का नेम, तो ये दोनों चीज़ तुम लिख सकते हो। और फॉन्ट अपने हिसाब से फैंसी चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करना है ना कि तुम्हें एक फैंसी फॉन्ट और एक नॉर्मल फॉन्ट जिस पे एकदम फोकस जाए वो रखना चाहिए, ताकि तुम्हारा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बैलेंस लगे और ज़्यादा भी भरा नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेकार लग सकता है। तो यहाँ पे मॉडल का नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे एक नॉर्मल से फॉन्ट देंगे, और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो अगर फॉन्ट जो भी तुम्हें जिस टाइप का देना हो, स्टाइल में देना हो दोनों, तो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम फॉन्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अच्छा लग रहा है, जैसे कि एक सिंपल सा फॉन्ट जो एकदम सोवर लुक दे एक तरफ, और दूसरी तरफ एक फैंसी फॉन्ट जिससे कि दोनों का बैलेंस लुक बने। फिर उसके बाद हम इसके पीछे जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लुक चाहिए ना, मतलब वो नाम रहे लेकिन और लेटर्स उसकी जो रहें वो दूर रहें। अब लेटर्स को मतलब ऐसे प्लेस करने के बाद, जैसे कि देख सकते हो उसकी स्पेसिंग हमें ज़्यादा रखनी है, ताकि कुछ ऐसा लुक का, अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो भी कम कर दो, बहुत कम हो रही है तो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसे हम करेंगे अल्ट्रा पे एक्सपोर्ट PNG फॉर्म में, और वहाँ पे चल के अपने मतलब पिक्सल PSCC में टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। ये टेक्स्ट की लेयर, यहाँ पे दोनों टेक्स्ट हमारे आते हैं। अब सोचो कि वाइट बैकग्राउंड में वाइट टेक्स्ट तो ब्लेंड हो जाएगा, इसलिए हम टेक्स्ट का कलर भी रेड कर देंगे। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो एक को, उससे लेयर फ्रॉम सिलेक्शन अलग करो, फिर दूसरी लेयर से डिलीट कर दो। फिर एक टेक्स्ट को जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना हो वहाँ पे प्लेस कर दो। मुझे एक टेक्स्ट ऊपर चाहिए और एक टेक्स्ट नीचे चाहिए, ताकि दोनों भी बहुत अच्छा लगे ब्लेंड होता हुआ। अगर हम इसे बीच में भी रखते हैं तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ होता है ना कि मतलब तुम्हें सही से वो टेक्स्ट दिखेगा नहीं, उसका मतलब नहीं पता चलेगा।
तो जिस टेक्स्ट से तुम्हें मतलब हो तो उसे ही अच्छी तरह से प्लेस करना, और वो मतलब एकदम विजिबल होना चाहिए, जिसे तुम विजिबल दिखाना चाहते हो पूरा, मतलब उस पूरे के पूरे डिज़ाइन में, उसे सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ज़्यादा फोकस हो और तुम्हारी आँख तुरंत उस चीज़ को मतलब देख ले, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने जो टेक्स्ट हमें दिखाना था वो हमें सही जगह प्लेस किया, फिर थोड़ा सा डिज़ाइन को और नीचे किया ताकि वो टेक्स्ट और ज़्यादा विजिबल हो, फिर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट लेयर करके मतलब वो कराए ना टिंट करके उसका जो कलर है वो एकदम सेम इस ड्रेस से मैच कर देंगे, मतलब कि रेड करने के बाद आप देख सकते हो कि टेक्स्ट अभी भी अच्छे से विजिबल नहीं है, तो इससे सिलेक्ट फिल भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो टेक्स्ट अब हमारा अच्छे से विजिबल हो रहा है, अब दूसरे टेक्स्ट पे चलते हैं, इसे थोड़ा सा प्लेस करते हैं जहाँ पे भी हमें प्लेस करना है, इसे भी एकदम सेंटर में ही नीचे प्लेस करूँगा और सेम कलर के साथ, थोड़ा सा और अच्छा सा उसको अगर लुक देना हो तुम्हें तो तुम उसे और स्ट्रेच कर सकते हो या फिर और कहीं पे भी प्लेस करके ऐसे लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस करने के बाद देख सकते हो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और जो डिज़ाइन है उसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा है, जैसे कि दो टेक्स्ट और एक एकदम विजिबल हो रहा है, दूसरे का फैंसी टेक्स्ट है इसलिए वो बहुत अच्छा लग रहा है पूरे पूरे डिज़ाइन में। अब हम यहाँ करेंगे कि जैसे देखो एक एम्प्टी लेयर पर सर्कल लिया, उसे फिल किया सेम रेड से, ठीक, मुझे साइड में दो जैसे होता नहीं हाफ वन फोर्थ सर्कल होता है ना वो चाहिए, तो ये एक बार डुप्लीकेट किया वहाँ पे प्लेस करने के बाद, फिर मुझे इस कॉर्नर पे सेम उसके अपोजिट कॉर्नर पे फ्लिप करके उसको प्लेस कर दिया। अब उसकी जो साइज़ होती है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे लगेंगे इस पूरे डिज़ाइन में। तो वहाँ पर भी प्लेस करने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे डिज़ाइन में और कोई कमी है तो उसे अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा काम हो चुका है, और अगर तुम्हें कुछ यहाँ पे ऐड करना है तो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवर हो जाएगा, इसलिए वो मत ही करना। बाकी इसकी ओपेसिटी के साथ तुम थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज करो या फिर तुम्हें जो भी करना है वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डिज़ाइन जो कि कम्प्लीट होता है, अब चलते हैं अपने सेकेंड वाले पे। तो इसे सेव कर लेते हैं सिंपल सा जेपैग में, इसे लाइटरूम में तुम अगर चाहो तो उसे बना सकते हो दोबारा, मतलब उसका कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें दूसरा कुछ बनाना है, ठीक है, नॉर्मल सा अगर तुम्हें बनाना है तो फिर से उसी तरह बना सकते हो थोड़ा बहुत डिज़ाइन, लेकिन ये थोड़ा अलग होने वाला है। मैंने एक फ़ोटो इंपोर्ट की, फिर इसका क्या करेंगे कटआउट अलग करना है। तो चलते हैं अपने यही फ़ोटो रूम में, और इसमें अब लोगो भी नहीं रहता इसलिए मैं अपडेट भी नहीं कर रहा, अपडेट कर दिया तो हो सकता है लोगो देने लगे। इसका फ़ोटो रिमूव मतलब बैकग्राउंड रिमूव करना है, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है, इसी तरह रिमूव करना है, मतलब फिर सेव टू गैलरी करना है, सेव हो जाएगा, डन करके अपने पीसीसी में आओ, उस जगह पे जहाँ पे भी वो रखा हुआ है वहाँ पे जाके उसे इंपोर्ट कर लो, सेम उसी फ्रेम में वो एडजस्ट हो जाएगा। अब बैकग्राउंड में जो है तुम्हारा उसे कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा डार्क लुक देना है, तो हाफ टोन डॉट्स जो है वो मैंने एक बार अप्लाई किया, फिर डुप्लीकेट करके ब्लर अप्लाई किया, और ये सब अप्लाई करने के बाद वो जो एक लोगो दिख रहा है वो भी तुम्हें हटाना है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा आ रहा है ना बीच में, तो उसे हटाने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ज़्यादा ब्लर करने से वो नहीं हट रहा था, ऐसा लग भी रहा था वहाँ पे कोई लोगो है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, सिंपल सी है, उस सेलेक्ट करो उस जगह को, जैसे मैंने एम्प्टी लेयर लिया उसे फिल किया ब्लैक से, क्योंकि वो जो ब्लर करने के बाद थोड़ी बहुत एजेस होती हैं, फिर हम बैकग्राउंड में विग्नेट ऐड कर देंगे जिससे कि वो और नहीं पता चलेगा और अपने कैरेक्टर पर और ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो ये चीज़ होने के बाद अब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट और डिज़ाइन ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। हम खोलेंगे अपना IBX Pentax, उसमें जाएंगे माई गैलरी में जाएंगे, एक नया इमेज क्रिएट करेंगे, उसका रेजोल्यूशन जो होगा वो होगा 1080p × 1080p, दोनों मतलब वही होना चाहिए, और दोनों सेम करने के बाद मतलब यहाँ दोनों सही दोनों सेम कर दो, ठीक, फिर यहाँ से ओके करो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है पर है नहीं, तो यहाँ पे करने के बाद ये सब कैंसिल कर दो, इसका तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है दोनों। फिर यहाँ साइड से तुम्हें अपनी लेयर पे मतलब अपनी इमेज इंपोर्ट करनी है, ठीक, तो यहाँ पे मतलब पहले जो स्ट्रोक थे छोटे छोटे मेरे से ही गलती से हो गए थे तो वो हटाने हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे एक मतलब पैटर्न तो चाहिए, तो पैटर्न बनाने के लिए एक एम्प्टी लेयर लिया, अब उस एम्प्टी लेयर में मुझे कुछ डिज़ाइन बनाने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब पेंट ब्रश लिया, उसका हार्डनेस बढ़ा दिया ताकि एकदम हार्ड रहे, और कुछ ऐसी लाइंस खींच दी मतलब जो मुझे चाहिए थी, मतलब ड्रॉ करो ऐसा कुछ। ड्रॉ करने के बाद सिंपल और कुछ नहीं करना तुम्हें, और जैसे और से मोड़ना चाहते हो तो मोड़ सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि रैप में तुम कुछ ज़्यादा मतलब क्रेजी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैंने कुछ हिसाब से उसको
मतलब ऐसा मोड़ा कि वो मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन लगे ना देखने में। हम लोग दाविंची से कम थोड़ी हैं। फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसे जैसा भी तुम्हें रखना है वहाँ तुम रख सकते हो। अब हमारा डिज़ाइन मतलब हमारे हिसाब से तो बन ही रहा है, मतलब बन गया। इसे ओके करते हैं सेव, और सेव करने के बाद PNG में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो आप PNG पहले सेलेक्ट कर लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसे एक्सपोर्ट कर लिया। फिर IBX पेंट में आए, लेयर पे क्लिक करके फिर यहाँ पे हम ये जो कैमरा बना है इस पर इम्पोर्ट कर लेते हैं सीधा सा। और अभी तुम्हें वो डिज़ाइन नहीं दिख रहा होगा, तो उस डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करो, और इसका जो बैकग्राउंड है ये पहले कैंसिल करो, बहुत बार इम्पोर्ट करना, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, तो तुम्हें अपना डिज़ाइन दिखेगा। फिर यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ इम्पोर्ट करनी है, ये टेक्स्चर। ये फॉइल टेक्स्चर कहीं भी मिल सकता है, पिंटरेस्ट, गूगल, तो तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद उसे क्या करना ना, तुम्हें अपनी जो तुमने डिज़ाइन बनाया उस लेयर से नीचे होना चाहिए वो। फिर अपने जो डिज़ाइन है उस पर क्लिक करो, FX में जाओ, फिर यहाँ पे 3D करके आता है, स्टाइल में तुमको मिल जाएगा रिफ्लेक्शन वाला, मतलब ऐसे वाटर ड्रॉप वाला। तो ये तुम्हें सेलेक्ट करना था कि उसका टेक्स्चर ये तुम्हारे डिज़ाइन पे अप्लाई करे, और कुछ ऐसे तुम्हें प्लेस करना है कि वो देखने में लगे कि बहुत ही ज़्यादा भाई, मतलब एकदम उसे फॉइल का कुछ है जो डिज़ाइन में आ रहा है। तो तुम्हें कुछ बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन मिल जाता है अपने इमेज में डालने के लिए, वो बहुत ही एकदम क्रिएटिविटी का एकदम नेक्स्ट लेवल दिखेगा तुम्हारी इमेज में। फिर अपने बैक का उस लेयर को हाइड कर दो और इसे एक्सपोर्ट कर लो एज अ इमेज, ठीक है, मतलब PNG ही। और फिर उसे देखो, यहाँ सुपर रेजोल्यूशन AI का एक फीचर है, उसको इनेबल करो और फिर एक्सपोर्ट करो। थोड़ा सा टाइम लगा, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। फिर देखो उसने ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा उसको क्लियर एक्सपोर्ट किया, अभी PNG में भाई, PNG में। फिर उसको सेव करते हैं, मस्त अपनी इमेज में आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट पे। इस ऊपर के प्रोजेक्ट को डिलीट कर दो, दोनों लेयर को विजिबल करने के बाद अपना डिज़ाइन यहाँ से इंपोर्ट कर लो और अपने हिसाब से प्लेस कर लो जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करने पे वो अच्छा दिख रहा हो। तो यहाँ पे मुझे वो डिज़ाइन लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है कैरेक्टर से ही, तो मुझे जहाँ पे खाली है ना वहाँ पे चाहिए। तो क्या करते हैं, सिंपल से ट्रांसफॉर्म में जाओ, फ्लिप कर लो, फ्लिप करने से तुम्हारा डिज़ाइन वहाँ पे आ जाएगा। अगर तुम्हारा कैरेक्टर और छोटा है तो ये डिज़ाइन तुम और बड़े और बहुत ही मतलब यूनिक टाइप की बना सकते हो। फिर इस पर हम क्या करेंगे भाई, डुप्लीकेट करके इसको एक ग्लो ऐड कर देंगे। ग्लो ऐड करने से फिर वो अगर ना दिखे तो थोड़ा सा ग्लो कम करना, ठीक है, ओपेसिटी से मतलब। फिर उसे उस लेयर में ही ब्लेंड कर देना, कोई उतना ज़रूरी नहीं है हमें लेयर को मतलब नहीं बढ़ाना। फिर एक एम्प्टी लेयर लो, वहाँ पे तुम यहाँ शेडो ऐड करो पहले नीचे ग्रेडियंट, तो यहाँ वाइट से नहीं करना, ब्लैक से करना है, थोड़ा ब्लैक एंड क्रोमिश थीम है हमारी, तो ऐसा कुछ हम रखेंगे। और फिर से थोड़ा सा मतलब और डुप्लीकेट कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर आप एक एम्प्टी लेयर ली, अब यहाँ पे मैं शेप से क्या करूँगा, एक शेप बनाऊँगा दोनों, उस शेप तुम्हें क्या करना है बना के, जैसे दो शेप किए उसे मतलब प्लस आइकन पे करोगे तो दो शेप बनेंगे। और शेप बनाने के लिए मतलब जैसे प्लस किया से दो शेप बना दिए, उसे फिल किया ब्लैक से, फिर तुम्हें इम्पोर्ट करनी है यहाँ पे दो इमेजेस अपने हिसाब से, मतलब जो तुम ऐड करना चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हो। कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी भी और कलर की मतलब कलर टोन की इमेज इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। पूरी यहाँ पे थीम है क्रोम और ब्राउन की, लेकिन ये ग्रीन की थी, लेकिन वहाँ प्लेस करने के बाद अपने शेप्स को सेलेक्ट करना है, फिर अपनी इमेज पे आके एक्स ऐड कर देना है, फिर सेम प्रोसेस करना है दूसरी इमेज के साथ। इमेज को प्लेस करो अपने हिसाब से जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि वो सर्कल आ रहा है, मतलब वो डिज़ाइन आ रहा है, फिर सेलेक्ट करना है शेप को और अपनी इमेज में जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है ताकि वो इमेज उस टाइप की कटिंग हो जाए। फिर अपने ओरिजिनल शेप डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को आपस में मर्ज करके भी रख सकते हो, वरना मैं एक और तरीका बताता हूँ। देखो मर्ज किया, फिर उसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अभी एक मतलब एकदम सिंपल सा कि तुम्हें वो लुक जो है मतलब अपने बैकग्राउंड से मैच कराना है, तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट करके वही हाफ टोन पैटर्न्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से कट करके डिलीट करते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए, डुप्लीकेट करके वो इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो डुप्लीकेट ऐसे सेलेक्ट करो, फिर उसे ये हाफ टोन दो, तो देखो हमारा हो गया मतलब उसमें डार्क में, तो हमें डार्क नहीं चाहिए, हमें इसे ब्राउन करना है। तो ब्राउन करने के लिए ओवरले कर सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा ओवरले करके अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा। तो FX में ग्रेडियंट मैप करके होता है, उसे सेलेक्ट करना है, मतलब तुम्हें अप्लाई करना है अपनी लेयर पे, और वहाँ पे तुम्हें ये जो चार कलर्स दिखेंगे ये तुम्हारी इमेज के चार कलर्स होंगे, उन्हें सेम तुम्हें बार बार सेलेक्ट करना है। जो हाई टोन है तुम्हारा उस इमेज के अपने कैरेक्टर पे हाई टोन पे ले जाके कलर मैच करो, जो लो टोन है उसे लो पे, और देखो तुम्हारी इमेज जो है उनसे ब्लेंड हो गई है और एकदम मैच कर रही है। तो इन्हें ही बस हमें डुप्लीकेट करना है, सेम गॉसियन ब्लर देना है और ऐड कर देना है। अगर तुम यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करना चाहते हो, तुम्हारा मन है तो ऐड कर सकते हो, मतलब कोई वो नहीं है।
लेकिन अगर तुम नहीं ऐड करना चाहते तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में और बहुत ही सिंपल सा लुक आएगा अगर तुम्हारी मर्जी। तो फिर चलते हैं पिक्सल लैब में अपना टेक्स्ट बनाने के लिए, और इस बार टेक्स्ट थोड़ा अलग होगा। तो टेक्स्ट में जो भी तुम्हारा नाम तुम उसमें वहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अभी मैंने नेम टाइप कर दिया, फिर उसके बाद हम इसका जो फॉन्ट है वो लेंगे, एक चबी टाइप का फॉन्ट होता है तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वो फॉन्ट इस पर अप्लाई किया, फिर इसे ट्रांसपेरेंट करके एक्सपोर्ट कर दिया अल्ट्रा। फिर वो करने के बाद तुम्हें आना है सीधा अपने IBX पेंट में। अब यहाँ पे क्यों, यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब हमें वही चीज़ करनी है, सेम सिल्वर खेलना है लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में, एक नया प्रोजेक्ट उसमें फिर से तुम्हें अपना टेक्स्ट इंपोर्ट करना है उसी तरीके से, और उस पर टेक्स्ट कटना नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट नॉर्मली ऐसे इंपोर्ट कर दो, फिर जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक करके उस टेक्स्ट को वापस से डिलीट करके इंपोर्ट कर लो। तो इसे मैंने डिलीट किया फिर इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर मुझे ही नहीं पता होगा। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद इस बार तुम छोटा कर सकते हो, तो अपने हिसाब से छोटा करके उसे कैंसिल करके सेव कर लो, अगर उसका कोई ऑप्शन आता रहता है मुझे नहीं पता वो भी। फिर यहाँ पे हमसे उसी तरह एक और टेक्सचर अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिल्वर कलर का, और उस टेक्सचर को इस टेक्स्ट से बड़ा रखना है। फिर उसके बाद अपने जो टेक्स्ट लेयर है उसमें जाओ, एफेक्ट्स में जाओ, और वाटर ड्रॉप वाले इफेक्ट को जो है अप्लाई कर दो। और इस बार तुम्हें अपनी सेटिंग्स कुछ ऐसे रखनी है कि तुम्हारा फॉन्ट, मतलब जो तुम्हारा टेक्स्ट है वो ऐसा दिखे कि वो बहुत सी चबी टाइप है, मतलब वो एक 3D फॉन्ट है जो कि सिल्वर का है लेकिन मतलब पूरी थीम में ही मैच कर रहा है। तो तुम्हें कुछ अपने हिसाब से सेटिंग्स करनी है उसकी हाइट विड्थ और बाकी डिस्टेंस की जो तुम्हें उस 3D शेप को बनाने में लगती हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो ओरिजिनल टेक्सचर लेयर है उसको मतलब हाइट कर देंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे हायर रेजोल्यूशन में। इसे वापस से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद देख सकते हो क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, यहाँ पे वो टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपल सा, वहीं पर पड़ा होगा जहाँ पे भी तुम्हारे IBX पेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसे प्लेस करना है एकदम बीच में। अब यहाँ देख सकते हैं एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने जो इमेज इंपोर्ट की अब उसकी वजह से मैं टेक्स्ट सही से प्लेस नहीं करना चाहता, मतलब कर नहीं पाता करना क्या चाहता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, इससे भी ऊपर प्लेस कर देते हैं जहाँ पे वो दोनों लेयर थी, और साथ में उसे प्लेस करने के बाद तुम मतलब उसे थोड़ा मैचिंग भी कर सकते हो, मतलब एकदम सेम डिस्टेंस पर रख सकते हो, लेकिन मेरा ही कहना रहेगा कि थोड़ा ऐसा रखो कि अलग भी लगे और सही भी रखे, मतलब तुम्हारे डिज़ाइन में अगर नहीं सही लग रहा उसे डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे उसको दो जगह पर प्लेस किया। फिर प्लेस करने के बाद इन दोनों में तुम ग्लू ऐड करो मस्त, ग्लू ऐड करने के बाद तुम्हारा काम खत्म, ऐसे ग्लू ऐड करो सिंपल सा ठीक, और अगर ग्लू अच्छा लग रहा है तभी ऐड करो, नहीं अच्छा लग रहा मत ऐड करो। फिर यहाँ पे तुम थोड़ा सा मतलब ऐसे होता ना कि ब्लैक शेडो दे सकते हो और 3D लुक आने के लिए, वो भी दे सकते हो। और फिर अपनी जो बाकी की दो लेयर्स से जो पिक्चर्स की थी ना उन्हें भी एक ग्लू ऐड कराओ ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, और मुझे लग रहा है कि एक और जगह ग्लो देने की ज़रूरत है कैरेक्टर के पीछे, तो वहाँ पर मैंने सेम तरीके से ग्लो दिया। अब ये पिक्चर थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब थोड़ी बहुत क्या, मतलब अगर इसमें कलर ग्रेडिंग कर दी जाए तो ये बहुत अच्छी पिक्चर हो जाएगी। तो ऐसे डिज़ाइन थोड़े से यूनिक हैं और अलग हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम्हारे फॉलोअर्स को भी अच्छा लगेगा देखने में। अब इस आइडिया में जो भी तुम्हें चेंजेस करना है वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तो मेरा तो सजेशन था कि ऐसा बनाओ, लेकिन अगर तुम्हें और भी क्रिएटिविटी लगती है इसमें और ऐड करने के लिए तो वो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से हम इसे सीधा से इसे सेव कर लेते हैं, और बाकी जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तुम कमेंट करो, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी, मतलब कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की, वरना मिल ही जाएगी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी। तो बाय बाय।